दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप अपना 20x40 के प्लाट में अपना मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके 20x40 के प्लाट में मकान बनवाने में कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। दोस्तों सरिया का कैलकुलेशन निकालने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि अपने मकान में कहाँ पर अपना सरिया लगता है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ कॉलम में, प्लिथ बीम में, टॉप बीम में, फाउंडेशन में, स्लैब में, इस कार्य में दोस्तों अपना स्टील लगता है और ये कितना वर्क होगा अपने 20x40 का यदि हम मकान बनाते हैं तो वो कैलकुलेशन दोस्तों हम कर लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हम अपना जो सरिया है वो एग्जैक्ट और सटीक निकाल सकें। ठीक है, तो दोस्तों 20x40 का मकान बना रहे हैं तो एक बार जितना भी अपना वर्क होता है 20x40 के मकान में जहाँ अपना स्टील लगेगा वो कार्य पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हम अपना सरिया का कैलकुलेशन आसानी से जान सकेंगे। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम बात करेंगे अपना 20x40 के एक मकान को बनवाने में कितने कॉलम आएंगे। तो जैसा कि दोस्तों ये अपना एक प्लाट है जिसका लंबाई चौड़ाई 20x40 का है। इसमें सर्वप्रथम दोस्तों मैं कॉलम की बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपना जो कॉलम आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि दोस्तों 20x40 का आप मकान बना रहे हैं तो लगभग अपने 15 खड़े कॉलम आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेंथ की अगर बात करें ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक तो दोस्तों हम इसको 18 फीट मान के चल सकते हैं। 18 फीट कैसे होता है दोस्तों एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये अपना एक पिलर है, एक कॉलम हम खड़ा कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों ये अपना बेस बनाते हैं नीचे का। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अपना कॉलम का लेंथ स्टार्ट होता है, जिससे कि दोस्तों 3 से 4 फीट का जो ये लेंथ अपना आता है इतना दोस्तों अपने खड्डे के अंदर ही चला जाता है, क्योंकि दोस्तों इतना गहरा अपना लगभग खड्डा होता है 3 से 4 फीट का। उसके बाद दोस्तों अपना ज़मीन आ जाता है। ज़मीन आने के बाद दोस्तों अपना 3 से 4 फीट का जो लेंथ आता है अपने कॉलम का पिलर का, इतना ऊंचा दोस्तों हम अपना मकान का कुर्सी रखते हैं, पेड़ी लेवल रखते हैं। ठीक है, इतना ऊँचा 3 से 4 फीट इतना ऊँचा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपना पेड़ी तक हम आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शेष बचा अपना 10 से 11 फीट का लेंथ, जो कि दोस्तों हम अपना मकान का हाइट रखते हैं, जैसा कि 10 फीट 11 फीट नॉर्मली हाइट अपने मकान का रखते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ 18 फीट का हो जाता है, और 15 में 18 का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है अपना 270 फीट। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे प्लिथ बीम, यानी कि जो अपना मकान बना रहे हैं 20x40 का, तो उसमें जो नीचे का जो पेड़ी लेवल का जो प्लिथ बीम अपना बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये नीचे का चौकड़ी एक बार इसको देख लेते हैं। तो जैसा दोस्तों 40 फीट का एक ये आ रहा है 2 3, यानी कि दोस्तों 40 फीट के 3 आ रहे हैं, यानी कि 120 फीट प्लस करेंगे दोस्तों 20 फीट का, जैसे कि दोस्तों 1 2 3 4 5 20 से 500। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों 220 फीट, यानी कि दोस्तों जो नीचे का जो अपना चौकड़ी आ रहा है बीम का वो 220 फीट आ रहा है। बात करेंगे दोस्तों टॉप बीम का, तो दोस्तों जितना अपना नीचे का प्लिथ बीम बन रहा है लगभग सेम उतना ही रहता है, यानी कि 220 फीट। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है कि जिस और दरवाज़ा होता है, खिड़की होता है, या फिर जिस और अपना मेन रास्ता होता है उस और दोस्तों हम 3 3 फीट का छज्जा भी निकालते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में दोस्तों आपके जो 3 6 9 फीट एक्स्ट्रा हो जाता है, जिससे कि दोस्तों 229 फीट अपना हो जाता है। दोस्तों 9 फीट जो अपना लेंथ आ रहा है बीम का, यह कुछ बड़ा अपना खर्चा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि इस प्रकार से भी अपने मकान में वर्क होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन दोस्तों एक कॉलम के नीचे का जो ये फाउंडेशन का बेस हम तैयार करते हैं, नॉर्मली अगर साइज़ की मैं बात करूँ इसकी तो 3x3 का हम रखते हैं, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना एक कॉलम के नीचे का जो फाउंडेशन का वर्क हो रहा है 9 स्क्वायर फीट अपना हो रहा है। और अपने जो खड़े कॉलम आ रहे हैं दोस्तों वो आ रहे हैं 15, तो 9 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों 135 स्क्वायर फीट, यानी कि दोस्तों अपने 20x40 का जब मकान बना रहे हैं तो पूरा फाउंडेशन का जो वर्क हो रहा है दोस्तों 135 स्क्वायर फीट में हो रहा है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि स्लैब यानी छत कितना स्क्वायर फीट अपना बनेगा 20x40 के प्लाट। तो जैसा कि दोस्तों प्लाट तो है अपना 20x40 का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम 3 3 फीट का छज्जा निकाल रहे हैं ये वाला, तो ये 20 में ऐड कर लेते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अपना जो छत का एरिया बन जाता है 20x40 का बन जाता है, गुणा करते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों 800 60 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसी के हिसाब से दोस्तों मिस्त्री ठेकेदार अपना छत नाप से जो ठेका लेते हैं इसी को नाप के दोस्तों अपना रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों 860 स्क्वायर फीट अपना छत बन रहा है और इतना अपना वर्क हो रहा है अपने 20 बाई 40 में जहाँ अपने स्टील की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक बार इसको जोड़ भी लेते हैं कि कितना अपना वर्क हो रहा है ताकि अपने को ध्यान में रहें कि अब मकान बना रहे हैं तो इतना अपना आरसीसी का वर्क होगा। तो देख लेते हैं कॉलम, फ्लिप बीम और टॉप बीम, इसको अगर एक जोड़ें तो ये हो जाता है दोस्तों 719 फीट। ठीक है, और स्लैब और फाउंडेशन का दोस्तों एक जोड़ लेते हैं क्योंकि इसका जो वर्क होता है सेम रहता है तो इसको भी जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों अपना इसमें 995, दोनों को राउंड फिगर करके 720 कर लेते हैं, इसको 1000 स्क्वायर फीट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 20 बाई 40 का मकान बना रहे हैं जिसमें दोस्तों इतना अपना वर्क हो रहा है, जैसा कि 720 फीट तो कॉलम बीम बनेंगे, 1000 स्क्वायर फीट अपना स्लैब प्लस फाउंडेशन का वर्क होगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों अगर बात करें स्टील का, स्टील कितना लगेगा अपने इतने वर्क में, तो दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी बता दूं, जहाँ कॉलम हो या बीम हो जो जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरे लगाते हैं, लगाते कैसे वो बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये अपना एक पिलर है, बीम है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक छड़ हम यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं, और दोस्तों 2 छड़ हम लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं। बहुत सी स्थिति में दोस्तों एक यहाँ पर भी आता है और एक यहाँ पर भी आता है। तो जैसा कि दोस्तों ये जो 4 छड़ हम लगा रहे हैं, ठीक है, इसका दोस्तों मैं कैलकुलेशन करूँगा आपके 12 mm का। ठीक, क्योंकि बॉटम में हम जो सरे लगाते हैं वो 4 नग लगाते हैं और 12 mm के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 2 जो सरे देख रहे हैं ये आ रहे हैं टॉप में। ठीक है, इसमें दोस्तों 10 mm का मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसमें यदि आप 4 छड़ 1 2 3 4 यह 12 mm का लगा सकते हैं, ये वाले दोस्तों आप 10 mm का लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भाई मैं तो अपने बीम कॉलम के लिए फुल ही 12 mm का सरिया यूज़ करूं, यानी कि जो 6 छड़ हम लगा रहे हैं 12 mm का लगाना चाहते हैं, तो भी मैं आपको बताऊँगा कि 12 mm का सरिया आपकी कितना लगेगा। तो देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों 12 mm का सरिया हम लगा रहे हैं और 4 नग के हिसाब से यदि आप लगाते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको जो सरिया लगेगा 7 क्विंटल 20 किलोग्राम लगेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भाई मैं तो 6 नग अपने 12 mm के लगाऊं, तो दो और इसमें ऐड कर लेते हैं, जो कि दोस्तों आपके इसमें 3 क्विंटल 60 किलोग्राम लगेगा। दोनों को जोड़ लेते हैं तो 1080 यानी कि दोस्तों 10 क्विंटल 80 किलोग्राम दोस्तों आपके जो सरिया लगेगा 6 नग के हिसाब से अपने बीम कॉलम में 20 बाई 40 का यदि आप मकान बना रहे हैं। इसमें दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भाई मैं तो अपने 2 नग 10 mm का लगाना चाहता हूं, तो इस स्थिति में दोस्तों आपका जो 10 mm का सरिया लगेगा 2 क्विंटल 60 किलोग्राम दोस्तों आपके लगेगा। दोस्तों इसमें अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा बड़ा विशेष इसमें फ़र्क देखने को आपको नहीं आ रहा है, मात्र 1 क्विंटल का दोस्तों आपके फ़र्क आ रहा है 100 kg का। तो ज़्यादा बड़ा कुछ इसमें खर्चा आपके नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फुल ही 12 mm का सरिया अपने बीम कॉलम के लिए यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों मकान का काम बार बार अपने जीवन में होता नहीं है। ठीक है, और दोस्तों हम देख लेते हैं कि अपना 8 mm का जो रिंग का हम लगाते हैं तो रिंग का सरिया कितना लगेगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रिंग का जो साइज़ बनते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। एक बनाते हैं दोस्तों 6-10 का रिंग बनाते हैं, जिसमें दोस्तों अपने 8-12 के कॉलम भी बनते हैं, और एक लगाते हैं दोस्तों 6-14 की रिंग, जिसको दोस्तों ज़्यादातर टॉप में जो अपना टॉप का भी प्रोवाइड करते हैं अपना हाइट का उसमें यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसा ये जो 6-10 का रिंग बन रहा है, 8-12 का पिलर कॉलम बन रहा है, तो इसमें कितना सरिया लगेगा दोस्तों मैं आपको बता दूं 8-12 का कॉलम पिलर के लिए। तो 8-12 यानी कि दोस्तों जैसे कि ये अपना एक पिलर है, ठीक है, अपना बीम है, जिसमें दोस्तों 2 फेज रहती है अपनी 8 इंची, 2 फेज रहती है अपनी 12 इंची। इस हिसाब से दोस्तों अपना 8-12 का पिलर बनता है, कॉलम बनता है, बीम बनता है। इसमें दोस्तों 6-10 की रिंग लगाते हैं, तो इस स्थिति में दोस्तों आपके जो रिंग का सरिया लगेगा 3 क्विंटल 60 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया लगेगा। और दोस्तों बहुत सी जगह होता क्या है कि जो टॉप में जो बीम प्रोवाइड करते हैं वहाँ 6-14 की रिंग लगाते हैं बहुत से ठेकेदार मिस्त्री लोग, तो इस स्थिति में दोस्तों आपके जो सरिया लगेगा 1 क्विंटल 20 किलोग्राम दोस्तों आपके एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है दोस्तों, सभी का अगर जोड़ लेते हैं कि लगभग कितना अपना सरिया लग रहा है, तो दोस्तों इसमें 12 mm की अगर बात करें तो 12 mm का लग रहा है दोस्तों 7 क्विंटल 20 किलोग्राम। दोस्तों इसमें मैं ये जोड़ रहा हूँ दोस्तों, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। और 10 mm का दोस्तों मैं ये जोड़ रहा हूँ 2 क्विंटल 60 किलोग्राम। ठीक है, और जो छत का भी सरिया अगर मैं इसमें ऐड करूँ, अपना जो छत बन रहा है 1000 स्क्वायर फीट में स्लैब प्लस फाउंडेशन का, उसमें का भी सरिया अगर मैं ऐड करूँ, तो मान के चलिए दोस्तों आप अपना 10 mm का सरिया आपके लगेगा 10 क्विंटल 10 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया लगेगा। ठीक है, और रिंग का सरिया दोस्तों मैं ये जोड़ रहा हूँ 3 क्विंटल 60 किलोग्राम और ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। सभी अगर जोड़ते हैं अपना 12 mm, 10 mm और 8 mm का सरिया तो आपके 20 बाई 40 का मकान बनवाने में लगभग आपका जो सरिया लग रहा है दोस्तों 20 क्विंटल 90 किलोग्राम राउंड फिगर में दोस्तों आप 21 क्विंटल को मान के चल सकते हैं। भाव दोस्तों 65 का भी चल रहा है, इसके हिसाब से गुणा मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो आपके 1,36,500 रुपये का दोस्तों आपकी स्ट्रीट का इसमें खर्चा बैठने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।